हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम मैथ फंक्शन के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट में रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ डाटा नाम का। आप कोई भी नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। और हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट में इसकी वैल्यू लिख देंगे। अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हम वैल्यू जनरेट करेंगे मैथ फंक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मैथ, इसमें m कैपिटल होगा। उसके बाद हम पहला फंक्शन लिखते हैं राउंड। ये राउंड फंक्शन क्या करेगा, किसी डेसिमल वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5.6। अभी मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 6। मीन्स ये इसको राउंड ऑफ कर देगा। और ये वर्क कैसे करता है, अगर तो यहाँ पे डेसिमल के बाद वैल्यू 5 या उससे बड़ी है तो ये उसको 6 कर देगा। अगर 4 या उससे छोटी है तो ये 5 ही रहने देगा। मींस अगर 5 या उससे बड़ी है तो ये राउंड ऑफ करके उसको बड़ी कर देगा। एक मींस अगर 5 है उसको 6 कर देगा, अगर 6.5 है तो 7 कर देगा। जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे 6.5 है तो ये इसको 7 कर देगा। लेकिन अगर 4 है या उससे कम है तो ये 6 रहने देगा उसको। तो इस तरह से ये वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा और डेसिमल रिमूव कर देगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की। मीन्स SQRT, ये किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट जानने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं 81 करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 64 करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। सपोज़ अगर आप किसी में मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ 1, 5, 8, 9, 21, तो ये मिनिमम वैल्यू को बताएगा हमें। तो मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉमा लिखना भूल गया। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू है इसमें 1। इसी तरह से अगर हम इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जानना चाहते हैं, हम मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे max, तो आप देखेंगे ये हमारे को मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा, तो ये आएगी 21। अब इसके बाद हम बात करते हैं पावर फंक्शन की। मींस अगर हम किसी वैल्यू की पावर निकालना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा p और w, और यहाँ पे सपोज मैं जानना चाहता हूँ 8 की पावर, अगर 8.2 करके क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे 64। इसी तरह से अगर मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ 2 की पावर 5, तो आप देखेंगे 32। मींस ये वर्क कर रहा है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मल्टीप्लाई बाय 2 8, मल्टीप्लाई बाय 2 16, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 32। मींस इस तरह से पावर हम निकाल सकते हैं डॉट पी ओ डब्ल्यू पावर फंक्शन की ऐप से। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक और फंक्शन आपको बताता हूँ, वो है मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये भी राउंड फंक्शन के जैसे काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सपोज़ यहाँ पे मैं 5.6 लिखता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 5 आएगा। सपोज़ अगर मैं 5.9 लिखता हूँ तब भी 5 आएगा, अगर मैं 5.1 लिखता हूँ तब भी 5 आएगा। मीन्स ये हमेशा बैकवर्ड जाएगा, ये खाली एक तरह से आप कह सकते हो डेसिमल के बाद की वैल्यू को रिमूव कर देगा और ये उसी उसके पहले जो वैल्यू है वही प्रिंट करेगा। लेकिन राउंड ऑफ में क्या था, अगर यहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा होता तो इसने इसको 6 कर देना था। लेकिन फ्लोर में क्या होता है, ये खाली बैकवर्ड जाता है और जो वैल्यू होती है उसके पहले ये उसी को प्रिंट करता है। तो इस तरह से मैट डॉट फ्लोर फंक्शन काम करता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रैंडम फंक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैट डॉट रैंडम, और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 डॉट के साथ जनरेट कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा मैथ, मैथ का m कैपिटल डॉट फ्लोर फ्लोर, उसके बाद उसके अंदर इस फंक्शन को ले जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे अभी 0 ही आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, सपोज मैं 1000 लिखता हूँ, तो आप देखेंगे ये 3 नंबर जनरेट करेगा। मींस 3 या उससे कम कभी जनरेट करेगा। अगर हम इससे बड़ा नंबर चाहते हैं तो मैं उतनी 0 ऐड करता जाऊँगा, तो आप देखेंगे उतना ही नंबर ये जनरेट करता जाएगा। मींस इस तरह से आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं
मैथ फंक्शन की हेल्प से जावास्क्रिप्ट में। तो फ्रेंड्स ये था मैथ फंक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।